तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पहले भाग में हमने ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक का पूरा हाईवे आपको कवर करके दिखाया, जिसमें हमने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा हो या रोड ख़राब हुई और हमने आपको ना दिखाई हो। अब उसी का ये दूसरा भाग है और अभी हैं हम रुद्रप्रयाग बाईपास पे। अब हम आपको यहाँ से लेकर जहाँ तक हमारी गाड़ी जाने देंगे, सोनप्रयाग या फाटा या गुप्तकाशी, वहाँ तक का आपको पूरा रोड कवर करके दिखाएंगे। तो यहाँ तक हमने आपको पूरा कवर करके दिखाया है, रोड बिल्कुल एक्सेलेंट कंडीशन में है। लग ही नहीं रहा कि इस साल इतनी बारिश झेलने के बाद भी रोड इतनी क्लीन है। और देखिए अभी हम रुद्रप्रयाग बाईपास पे हैं और ये भी बिल्कुल साफ़ है। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग बाईपास हमने कर दिया क्रॉस और आने वाले समय में, यानी मुश्किल से मेरे ख्याल 2-4 महीने बाद हम इस टनल से हम बद्रीनाथ हाईवे से लिंक हो जाएंगे। हमें रुद्रप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल काफ़ी घूम के जाना पड़ता है बद्रीनाथ जी के लिए, जबकि केदारनाथ जी के लिए तो सीधे बाईपास है। ये देखिए टनल ये ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस ये फिनिशिंग पे है। तो अच्छा लग रहा देख के। गौरीगंज 71 किलोमीटर लिखा आया, फाटा 53, अगस्त मुनि 13 और गुप्तकाशी 40 किलोमीटर है यहाँ से। जो इस रोड का नाम गवर्नमेंट ने दिया ना ऑल वेदर रोड, ये वाकई ऑल वेदर रोड है। प्रूव कर दिया इस रोड ने, बिल्कुल प्रूव कर दिया, ये बात सच है। जहाँ से पूरा पहाड़ ही नीचे आ जाए वो चीज़ तो खैर अलग है, मगर रोड ने कहीं धोखा नहीं दिया। ऐसा नहीं है रोड नीचे चला गया हो। तो एक बार जमने के बाद देखिए आप, बिल्कुल भी रोड में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और जैसा इसका नाम है ऑल वेदर रोड, वैसा ही काम कर रही है। तो बढ़ गए हैं अब आगे हम रुद्रप्रयाग से और यही देखने वाली बात होगी कि रुद्रप्रयाग से लेकर कुंड के बीच में क्या हालत है, क्योंकि लास्ट के कुंड के 2 किलोमीटर पर तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो यात्री बिल्कुल ना के बराबर है दोस्तों, आप देख सकते हो। और जो यात्रा हो रही है वो हो रही है हेलीकॉप्टर से। तो अगर आप लोग भी हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहें तो बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हाईवे बिल्कुल ओके है, आपको हाईवे पे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रयाग से तिलवाड़ा पहुंच गए, मुझे तो कहीं भी कोई दिक्कत फिलहाल लगी नहीं। जब मैं आपको दिखाऊं, तिलवाड़ा में हैं फिलहाल हम और यहां से जाता है उत्तरकाशी का रास्ता। तो ये रहा वो कट, यहां से लेफ्ट उत्तरकाशी, तिलवाड़ा हमने कर दिया फिलहाल क्रॉस। तो रास्ता देखिए आप कितना बढ़िया है, रुद्रप्रयाग से और कुंड के बीच में बहुत फास्ट और सीधा सीधा रास्ता है। चारों धावों में सबसे अच्छे रास्ते अगर किसी के हैं तो वो है आपका बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी। इनके रास्तों में घुमाव कम है, सीधे सीधे ज़्यादा हैं, तो लगता ही नहीं है हील्स पे आ रखे हो आप। यहाँ देखिए आप स्ट्रेट स्ट्रेट चल रही है गाड़ी, सीधी सीधी। तो अगस्त मुनि पहुंच गए दोस्तों हम, और उसके बाद बस सीधे हम कुंडी पहुंचेंगे। फिलहाल है हम अगस्त मुनि में। सब कुछ इतना खाली खाली सा हो गया ना, जैसे यात्रा नहीं चलती ना तब भी इतना खाली नहीं होता, इतना खाली अब है तब भी इतना खाली नहीं होता, क्योंकि चौपता तुंगनाथ जी इधर के तरफ के लोग ना आते रहते हैं, मतलब घूमने के लिए ना पर्यटक आते रहते हैं, मगर इस समय तो बिल्कुल ही वीरान सा हो रहा है। हमने अपने जीवन काल में जितनी बार भी बाबा केदारनाथ जी का ब्लॉग बनाया है हाईवे का, उसमें सबसे तेज़ आज हमने अगस्त मुनि को क्रॉस किया है, वरना अगस्त मुनि को हमेशा क्रॉस करने में हमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं और आज बिल्कुल खाली है। जबकि आज हम 5:30 चले थे ऋषिकेश से, और कई बार हम 4-4:30 भी चले हैं कई ब्लॉग्स में, तब भी हमें टाइम लगा। तो आगे बढ़ गए दोस्तों, अगस्त मुनि भी क्रॉस हो गया,
रोड कंडीशन तो फिलहाल तो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हालत है। गुप्त काशी से लेकर और फाटा के बीच में दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ना रोड चौड़ीकरण के लिए कटाव का काम कार्य चल रहा है, तो इस बार बरसात में वो एरिए फिर से स्लो हुए, ख़राब हुए, तो वो देखने वाली बात है वहाँ की क्या स्थिति है फिलहाल। तो अब जाकर दो गाड़ियाँ दिखी हैं, एक सामने जा रही है टैक्सी, वो भी ऋषिकेश से है, और एक आगे जा रहा है टेम्पो ट्रैवलर, तो हो सकता है ये हेलीकॉप्टर बुकिंग वाले हों, मतलब पूरे रास्ते हमें एक भी गाड़ी नहीं दिखी दराते हुए। तो ये दो गाड़ियाँ दिखी हैं, दोनों ही टैक्सी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है रोड का, और अब बरसात वरसात होनी है नहीं तो क्लियर हो ही जाएगा जल्दी। और झरना देखो आप, तो अगस्त मुनि के बाद यहाँ पे बस एक पॉइंट आया है, यानी रुद्रप्रयाग गुप्त काशी हाईवे पे ये पहला पॉइंट है जहाँ पे कटा हुआ थोड़ा सा और रोड गया नीचे। तो ये है पॉइंट टू और ऊपर से हुआ है लैंडस्लाइड, देखो स्लाइड आ रखा सारा नीचे सर, ये क्लियर कर देंगे एक दो दिन के अंदर ना, अभी यात्रा नहीं चल रही तो ये भी ज़रा ध्यान नहीं दे रहे, मगर रोड सही है, ऐसा नहीं रोड टूटा हो, यहाँ तो मलवा ही आ रखा है ऊपर से ना। और सामने दोस्तों पहाड़ों पे हो रखी है, बाबा केदार जी के पहाड़ों पे बर्फबारी अच्छी खासी, कैमरे में तो खैर नहीं दिख रहा होगा मगर हमें दिख रहा है, सामने बिल्कुल बढ़िया बर्फबारी हो रखी है ना, ये देखिए अच्छी खासी बर्फबारी हो रखी। तो सबसे मुख्य जो विषय आज ये है कि ठीक है चलो हाईवे तो बढ़िया है, मगर हम सब जानते हैं गोरीकुंड से लेकर और आपका रामबाड़ा तक के बीच में काफ़ी जगह रास्ता कट गया है, तो यात्रा की कैसे जाए, अब ऑप्शन बचता है हेलीकॉप्टर का। अब हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया था कि हर एक यात्री को 25% का डिस्काउंट मिलेगा, तो उसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है, हमने फ़ोन भी किया था तो उन्होंने बोला भाई अभी तो ऐसा हमें कुछ भी जानकारी नहीं है और कोई आदेश ऊपर से नहीं आया है। चलो ये भी छोड़ो, तीसरा ये है कि भैया सेम डे अप डाउन 5,000 रुपये टिकट है, अब क्या हमें पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी, क्या हमें वहाँ पर जाके भी टिकट मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तो ये भी कन्फर्म करना पड़ेगा हमें, अब मिल जाती है तो कहाँ से मिलेगी। चौथा विषय ये है उड़ान भरी कहाँ से जा रही है, गुप्त काशी का तो क्लियर है, क्या फाटा से भी उड़ान भरी जा रही है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ये 3-4 विषय हैं जो आज हमें क्लियर करने पड़ जाके ना, जिससे कि आप लोगों को भी सही जानकारी मिले, तो हम आपको बता देंगे, अगर यहाँ पर टिकट अवेलेबिलिटी होगी तो वो भी बता देंगे, पहले ही से बुक करना पड़ेगा तो वो भी हम आपको आज क्लियर कर देंगे, तो पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों कुंड हम पहुँच गए और ये रोड तो बनी हुई पहली बार देख रहे हैं, ओके इन्होंने रोड बना दी थी जब हमने कवर किया था तब ये रोड नहीं बनी हुई थी, हाँ तो ये रोड बनी है और थोड़ा सा चौड़ाई मुझे ज़्यादा लग रही है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कुंड से लेकर और गुप्त काशी के बीच में सीमेंटेड रोड का काम चल रहा था, तो वो भी पूरा कम्प्लीट हो गया। तो देखिए कुंड तक का रास्ता कितना बढ़िया कर दिया उन्होंने, पहले ये 2-3 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस करने में ना 15 मिनट के आसपास लग जाते थे, खाली में तो जब भी 5-7 मिनट ही लगते थे, और अब देखो आप यहाँ भी थोड़ा सा कटाव कुटुब हुआ है और सामने आ गया पुल, लेफ्ट बाबा केदारनाथ जी और सीधा आपका तुंगनाथ जी, और साथ में आप जा सकते हो वाया गोपेश्वर होकर बद्रीनाथ जी। ओह ओ ओ ओ ये वाला रूट बंद कर दिया दोस्तों, ये वाला रूट बंद कर दिया, हमें सीधे होके जाना पड़ेगा, रास्ता बंद है फिलहाल। तो भैया ये पुल बंद है पीछे और ये वाला रूट कर रखा है बंद, तो हमें घूम के जाना पड़ेगा अब आगे से, और हम उससे निकलेंगे सीधे गुप्त काशी। तो उस रोड पे भी काम चल रहा था, शायद बना दिया गया होगा उसे, और देखते हैं आपको दिखाते हैं।
तो फिलहाल सोनप्रयाग जाने वाला रास्ता बंद है और हमें जाना पड़ेगा घूमकर। तो जिस रास्ते से हम लास्ट टाइम आए थे उस रास्ते से जाना पड़ेगा। और सामने वाला रास्ता कहीं से लग तो रहा नहीं, टूटा हुआ पता नहीं क्यों बंद कर रखा है। रास्ता जो हमने लास्ट हमारी वीडियो थी केदारनाथ जी से बद्रीनाथ जी उसमें शो किया था, और आज दोबारा हम आपको ये रास्ता दिखाएंगे। फिलहाल ये रास्ता जाता है आपका ऊखीमठ चौकता तुंगनाथ जी, तो तुंगनाथ जी और ऊखीमठ के लिए रास्ता जाता है ये जिससे हम जा रहे हैं फिलहाल। और देखिए यहाँ से थोड़ा सा बैठ गया रास्ता, नहीं वरना ये रास्ता बेशक चौड़ाई में छोटा है मगर बना हुआ बढ़िया है। सोच रहे थे आज आपको चौकता का रास्ता भी दिखाएं और ऊखीमठ तक का भी कवर करके दिखाएं कि हाईवे में कोई दिक्कत तो नहीं। जो भाई हमारे चौकता वगैरह आना चाहते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, मगर देखिए बाबा केदार का क्या करिश्मा हुआ कि हमें इसी रास्ते से डाइवर्ट कर दिया। तो 6 किलोमीटर तो हम इसी कवर कर ही लेंगे। अब यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है बाबा केदारनाथ जी के लिए, और ऊपर जा रहा है रास्ता आपका। तो हमने सोचा था दोस्तों ये रास्ता बन गया होगा, मगर देखिए इसकी हालत तो वैसी की वैसी है। तो पक्का आपका गुप्त काशी कुंड के बीच में कहीं रास्ता ख़राब हुआ है, तो इसकी वजह से इधर से डाइवर्जन कर रखा है। अब पुल पर पूरा रेत वगैरह डाल रखा है, कोई जा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं टेम्परेली बंद है, परमानेंट बंद कर रखा है फिलहाल रास्ता। देखिए हमें कितना घूम के जाना पड़ेगा, सामने से रोड है जहाँ हमें जाना है। और अगर ये रोड डाइवर्जन कर भी रखा है कम से कम मेरे भाई बना तो देते। तो भैया नेक्सॉन लेने का थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि भैया अगर थोड़ा सा भी ऑफ रोड आता है तो गाड़ी को कोई इशू नहीं होता, थोड़ा डर भी नहीं लगता क्योंकि पता है गाड़ी ऊंची हाइट में निकल जाएगी। तो ऐसे चढ़ने वाली गाड़ी को पहले रास्ता देना होता है ना, तो आप ही इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हम तो इस रूट पर जा रहे हैं, तो मैं बेशक आपको दिखा रहा हूँ ये रूट, और हमारी स्पीड भी 10 की है इस पर, मगर जब तक आप लोग यात्रा पर आएंगे अपना प्रोग्राम बनाएंगे 2-3 दिन के अंदर वो वाला रूट खुल जाएगा। और अगर वो रूट कटा भी है तो उसकी भी जानकारी लेके बताएंगे आपको कि वो रूट कटा कहाँ से। तो ये पुल आ गए दोस्तों, इसको क्रॉस करके हम राइट जाएंगे और फिर गुप्त काशी से जस्ट पहले हम इस रूट से निकलेंगे। जब भी आप आए होंगे कुंड से गुप्त काशी के बीच में एक रास्ता आता है कालीमठ वाला, तो ये वो रूट है। तो कुछ ये हालत है दोस्तों इस रास्ते की फिलहाल, और गाड़ी भी ट्रैक्शन खो रही है। व्यू देखो आप सामने, व्यू 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 कालीमठ मंदिर के लिए नीचे, और हम हो जाएंगे यहाँ से गुप्त काशी के लिए लेफ्ट। तो ये रास्ता था दोस्तों जो हमने लिया, और हमारा काफ़ी समय ख़राब हो गया था। तो बता ये रहे हैं कि भैया उस रास्ते को बना रहे हैं जो वो थोड़ा सा कंप्लीट कम था, तो यात्रा तो इस समय चल रही, तो सिर्फ रास्ते को बंद करके बनाया कंप्लीट किया जा रहा है। क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि सीमेंटेड रोड बिछा रहे थे, पूरी बिछी नहीं होगी तो जो रह गया उन्होंने सोचा यात्रा तो है नहीं, चलो अभी अभी पूरा कर लें इस काम को। 10 मिनट का रास्ता था देखो, यहाँ से आना था मैं सामने से ना, पूरे 45 मिनट लग गए। अब 45 मिनट लग गया मैं इस रास्ते से आने में, चलो खैर वो तो कोई नहीं, ये सीमेंटेड रोड बन रहा है ना इसको कम्प्लीट कर रहा हूँ मैं। तो लास्ट टाइम जो हमने ब्लॉग बनाया था ये, तो ये सीमेंटेड रोड तैयार हो रहा था, और देखिए रोड यहाँ भी ठीक है। इतनी बरसात के बाद भी रोड की क्वालिटी ठीक ठाक ही है। तो फाइनली दोस्तों गुप्त काशी तो हम पहुंच गए। अब पता करते हैं यहाँ पे कहाँ है व्यवस्था हेलीकॉप्टर वाली, और देखिए यात्री आ रखा है काफ़ी, तो हेलीकॉप्टर सुविधा वाला यात्री काफ़ी है यहाँ पे ना। अब यहाँ गोलू पता करेगा कि हेलीपैड कहाँ बना हुआ है, और मार्केट है सारी खाली, तो हेलीपैड पता करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे हेलीपैड कहाँ है।
कहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। तीन चार किलोमीटर आगे आ गए हम गुप्तकाशी से और अभी तक हेलीपैड नहीं आया। पुलिस वाले भाई ने 1 किलोमीटर बताया, किसी ने 200 मीटर बताया और अब बाऊजी मिले उन्होंने 3 मिनट बताया। तो देख रहे हैं कहां पर है और फिर आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए रोड की कंडीशन देखिए आप, बिल्कुल ठीक है। वो बीच में एक जगह थोड़ा रोड छोटा है, वहाँ पर दिक्कत बनी थी अभी पीछे ना, तो वहाँ अभी भी दिक्कत होगी। एक एक करके गाड़ी निकल रही है। देखिए मैं कह रहा था ना यात्री आया हुआ है, देखिए सब ऋषिकेश की गाड़ियाँ लेफ्ट में लगी हुई है, राजस्थान की लगी हुई है, दिल्ली की लगी हुई है और मुझे लगता नहीं है एट ए टाइम यहाँ हेलीपैड सुविधा मिल पाएगी। फाटा से श्री केदारनाथ 5700 तो 8126 रुपये का टिकट है दोस्त यहाँ से। या तो पता करके आ गलो अवेलेबिलिटी है क्या। नारायण कोटी है ये जहाँ से गुप्तकाशी से हेली सुविधा है। तो हमने उनसे टिकट के लिए पूछा तो 8700 कुछ रुपए का टिकट है, मगर आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा, ऑफलाइन सुविधा बिल्कुल बंद है। तो अब हम जा रहे हैं फाटा तक गाड़ी को लेके और आपको रूट दिखा देते हैं एक बार कि फाटा तक रूट की क्या स्थिति है। बाकी दोस्तों रोड की अगर मैं बात करूँ तो कहीं भी दिक्कत नहीं है रोड में, आपने देख ही लिया, हमने पूरा कवर किया है, कहीं भी कोई दिक्कत हमें नज़र नहीं आई। और हम सोच रहे थे हमें यात्री नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ वो भी आ रहे हैं पैदल वाले और वो भी हेलीकॉप्टर की सुविधा के लिए इधर उधर भटक रहे हैं बेचारे। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा बता देना चाहिए कि भैया ऑनलाइन ही बुकिंग चलेगी, ऑफलाइन बुकिंग यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इस बार उल्टा ही हो गया, पैदल मार्ग बिल्कुल ख़राब हो चुका है और वाहन का मार्ग जो है वो बिल्कुल ठीक है इतनी बरसात के बाद, वरना हमें कहीं भी दिक्कत नहीं लगी। तो फाटा तक चलते हैं, ट्राई करते हैं कि वहाँ पे कुछ जुगाड़ लग जाए, फिलहाल तो उम्मीद मुझे कम ही लग रही है। तो ये हिस्से का रोड जो है वो बैठा हुआ बढ़िया करके और ये आपका नारायण कोटी से 4-5 किलोमीटर बाद पड़ा है, तो पैदल मार्ग खुलेगा तो आसान नहीं है। तो गुप्तकाशी के बाद यही एक आया था फिलहाल पॉइंट जहाँ पे दिक्कत थी। तो सबसे अच्छी बात ये है कि भैया वाहन वाला रास्ता बिल्कुल ठीक है, सरकार को जो काम करना है वो पैदल मार्ग पे करना है और पैदल मार्ग को ज़्यादा रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उसे टेम्परेली भी रिपेयर करके खोला जा सकता है क्योंकि उस पर पैदल निकलना है हम लोगों ने। जहाँ से वजन निकलता है ना उस रोड को थोड़ा ज़्यादा ढंग से रिपेयर करना पड़ता है। तो एक वाटरफॉल है आपको दिखाते हैं, तो ये रिसाव होता है ना इनसे झरनों से, इससे रोड ख़राब होता है और आने वाले टाइम में इसका भी पुल बन जाएगा। और देखिए हवा भी चल रही है यहाँ और झरना भी लेफ्ट साइड में, बोल रिकॉर्ड करियो। तो बरसात में क्या होता है ना काफ़ी झरने डेवलप हो जाते हैं और जो पुराने होते हैं उनमें भी उफान आ जाता है अच्छा खासा। तो कितना क्लीन पानी था देखा आपने अभी तक, तो भैया कोई रोड कहीं से ख़राब दिखी नहीं हमें। और फाटा हम पहुंचने वाले हैं बस 10 मिनट में। सभी होटल सूने पड़े हैं, सब दुकानें खाली पड़ी हैं और सिर्फ 2 महीने यात्रा के बचे हैं। सब कुछ सही ठीक चल रहा था, 30 तारीख को हुआ है ना, 31 जुलाई को इसने पूरी रूपरेखा बदल दी। अभी फाटा में हम अब यहाँ पता करते हैं हेलीपैड कहाँ है, तो सारी रूपरेखा ही चेंज कर दी। तो यहाँ पर दोस्तों लैंडस्लाइड हुआ हुआ थोड़ा सा, देखो आप तो गुप्तकाशी से तो हमें मना कर दिया कि भैया सुविधा नहीं है ऑफलाइन की, ऑनलाइन बुक करो, और 15 सितंबर से पहले वो भी नहीं है। तो एक एरिया बता रहा था मैं आपको कि भैया वहाँ पे हमेशा लैंडस्लाइड होता है, ये है वो एरिया। तो अभी पीछे इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया था और चौड़ाई भी इसकी
धीरे धीरे करके 2-3 साल में बढ़ा दीजिए, मगर दोबारा से ये जो गिरा है ना उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, मगर उसको भी ये काट रहे हैं। ये देखिए आप, कटिंग का काम चल रहा है इसकी ना। तो ये सब जाम के पॉइंट हैं। ये अभी तो फ्री है क्योंकि हम लोग तो भैया जब भी आते हैं तो यात्रा बंद ही होती है किसी ना किसी माध्यम से। तो यहाँ निकलेंगे पानी में से आराम से, इसमें आराम से निकलो, कोई जल्दबाजी मत करो। तो दोस्तों फाटा भी अब हम क्रॉस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और फिलहाल यात्री जी ना के बराबर, और जो शेरशाह वाला हेलीपैड है वो आगे है, तो उस पर देख रहे हैं अब जाके कि क्या कोई व्यवस्था बन सकती है। अगर बनती है तो आपको भी दिखाते हैं कि कैसे बनेगी। तो गुप्त काशी से तो आपको पता चल गया 15 तारीख से पहले स्लॉट नहीं है, आपको बुक करना पड़ेगा। भैया कितना ऊपर है हेलीपैड? हाँ अच्छा, थैंक यू। चल रहा है, पूछना ऑपरेटर है। हाँ ऑपरेटर है, ऑपरेटर। तो भैया यहाँ से हम चढ़ गए ऊपर, अब हेली सुविधा के लिए, तो देखते हैं। 1.5-2 किलोमीटर ऊपर बता रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि मौसम खुल चुका है, अब बारिश भी अगर हो रही है तो 2 घंटे मैक्सिमम, 1 घंटा वाला हिसाब नहीं है कि पूरे दिन पूरी रात, वाला हिसाब हो गया ख़त्म हो। पैदल मार्ग भी खुल जाएगा ना तब भी बढ़िया हो जाएगा हिसाब किताब। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुँच गए फाटा वाली जो हेलीपैड फैसिलिटी है, अब गोलू यहाँ जाके चेक करेगा कि क्या यहाँ पे ऑप्शन है। तो एक चीज़ का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ना प्रॉपर तरीके से ना साइन बोर्ड वगैरह नहीं है कि यहाँ से हेलीपैड है, बल पूछ पूछ के जाओ, कुछ भी लिखा नहीं। अब रिसोर्ट का नाम लिखा हुआ है, वो बता रहे हेलीपैड अंदर है। तो हम हैं दोस्तों फाटा वाले हेलीपैड पे, और गोलू गया वहाँ पता करने के लिए, वहाँ पता करने गया कि टिकट मिल जाए क्योंकि हम उत्तराखंड की आईडी है हमारे पास। और यहाँ पे व्यवस्था अभी, यहाँ पार्किंग वार्किंग का इशू, मैं तो सोच रहा हूँ जब यात्रा चलती तब क्या होता होगा, तो देखते हैं बताते हैं। तो दोस्तों फाटा से अब हम जा रहे हैं शेरसी वाले जो हेलीपैड है वहाँ पे, क्योंकि फाटा वाले में तो दिक्कत है, फाटा वाले में तो ब्लैक हो रही है एक्चुअली ना, मैं आपको क्लियर बताऊँ सीधी सीधी भाषा में। लोकल्स के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, जैसे कि हमारी आईडी उत्तराखंड की है, तो हमने उनसे बोला भाई हमें टिकट अवेलेबल करा दो, क्योंकि अभी तो इतने लोग जा ही नहीं रहे, 90 से 100 आदमी डेली जा रहा है, 3 हेलीपैड हैं। तो बंदा कहता है जी कि ऑफलाइन ही होगा, जबकि हमें बताया गया था कि सीट होती है तो ऑफलाइन भी हो जाता है और लोकल्स का हो जाता है। हमने इतनी रिक्वेस्ट करी है और यहाँ पे बात भी करी किसी से, तो कोई 25,000 बोल रहा है, कोई 30,000 रुपये बोल रहा है, तो ऐसी लूट मचा रखी है यहाँ पे। पर आपको क्या बताएं, हम कई बार तो हमें भी शर्म आती है कि हम ऐसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पे ऐसी लूट मचा रखी है। अब फिलहाल हम दूसरे हेलीपैड जा रहे हैं, जबकि टैक्सी वाले हमारे भाई जो थे वो कह रहे साहब इनका अंदर घपला है, वो बेचारे कह रहे थे, उन्होंने ही बोला एक बार वहाँ और चले जाओ जब आए हो तो वहाँ से और देख लो। तो जा रहे हैं फिलहाल, तो रोड तो भैया ठीक है, रोड में कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ यात्रा करने में हो रही है, यात्रा करी कैसे जाए क्योंकि टिकट अवेलेबल नहीं है। भाई रोड गजब की है, गजब की रोड है। थर्ड नंबर के हेलीपैड पे हम हैं, और ये यहाँ का नज़ारा, और रोड की कंडीशन बिल्कुल एक्सेलेंट है, जो सोचा था उससे उल्टा हो गया ये नज़ारा। फिलहाल होटल्स वगैरह खाली पड़े हैं क्योंकि सिर्फ हेली सुविधा ही चल रही है, और अब गोलू लास्ट यहाँ ट्राई करने गया है कि यहाँ से हम लोकल्स के हैं तो हमें टिकट मिल जाए, नहीं मिलता तो दोस्तों निकलते हैं वापस, फिर ऑनलाइन बुकिंग करा के ही करेंगे दर्शन, तो बताता हूँ जो भी अपडेट होता है।
तो फाइनली दोस्तों तीसरी जगह से भी हम निराश लौटे और हमें टिकट नहीं मिली हेलीकॉप्टर की। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्ट है, हमारी भी गलती है कि भैया हम बगैर बुकिंग के आ गए। तो तीनों ही काउंटर पे हमें नहीं मिले टिकट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, गुप्तकाशी से भी नहीं मिले, वहाँ से भी नहीं मिले, फाटा से और यहाँ से नहीं मिले। तो अब हम लौट रहे हैं वापस। तो जो हमारा मकसद था वीडियो बनाने का वो हुआ पूरा, कि हाईवे पूरी तरीके से फिट है, जिसमें हमने ऋषिकेश से लेकर पहले रुद्रप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग से लेकर आपको लगभग फाटा से भी आगे 8 किलोमीटर आगे प्लस सोनप्रयाग 4-1 किलोमीटर रह गया था। इतनी दूर तक का हमने पूरा आपको बना के दिखा दिया कि फिलहाल रोड की क्या कंडीशन है। रोड है बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन में। अब रही बात आपकी इसकी हेलीकॉप्टर टिकट की, तो आप लोगों से निवेदन करूँगा कि भैया अपना ऑनलाइन टिकट बुक करें तभी यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी धांधली चल रही है। ऐसा नहीं है, सब में ही चल रही है। दो जगह तो हमें बिल्कुल फ्लैट मना करा है। फाटा में थोड़ी उम्मीद थी, तो वहाँ उन्होंने कुछ सही रास्ता हमें दिया नहीं, कि दो टिकट थी दे दी। हमने कहा हम तो लोकल की आईडी है तो हमें तो दे दो, तो हमको नहीं दी क्योंकि हमारी लोकल की आईडी थी। जिन्होंने उन्हें ज़्यादा पैसे दिए उन्होंने उनको टिकट दे दी। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, बस मैं आपको बताना चाहूँगा। कुल मिला के ठीक है, ये गलत चीज़ है केदारनाथ जी में जो होती है, और हमें कई बार दुख भी होता है। हम ऐसी जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पर कुछ लोग बता रहा हूँ मैं आपको, ये धांधलेबाजियाँ करते हैं, और जिसकी वजह से बदनाम हम भी होते हैं कि भैया आप क्या दिखाते हो, वहाँ पर ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो ठीक है, हम लोकल के थे तो हमारे साथ भी कोई रियायत नहीं बरती यहाँ के कुछ लोगों ने जो हेलीपैड पे लगे हुए हैं, बाकी सब ठीक ठाक है। अब हम हो रहे हैं रिटर्न, तो आप बड़े आराम से आ सकते हैं भैया, रास्ता बिल्कुल ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वही है कि भैया अपना हेलीपैड का टिकट करा के आएँ हेलीकॉप्टर का, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी अगर आप लोगों की इंक्वायरी हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करके हमसे हमारा मोबाइल नंबर लेके भी हमसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।